बेटा आपके तो लेक्चर है, मैंने आपको बता दिया है पेज नंबर 34 से लेकर 45 तक का रिवीजन 11 पेज तक है, उसको हम आज स्टडी करेंगे। अब ये लोग लेट ट्रेन कर रहे हैं जिसका आइडिया नहीं है। अभी आवाज़ तो आती है मेरी? अभी आवाज़ तो आती है मेरी? हेलो हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वो बिट्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। आपको आवाज आ रही है मेरी सारों को? आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही बैठे कोई बस आप नहीं है ना? सुन, मैंने हेडफोन भी चेंज कर लिया, लास्ट टाइम मस्ता था तो चेंज करवा के लिया है। ठीक है, सेट ओके। है। यस सर। नो सेट इसलिए ओके। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपको क्वेश्चन जो है वो फाइनल से पहले, बल्कि भाई आपको हो सकता है मैं आज ही जाते जाते मैं आपको दे जाऊंगा क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत आसान होंगे, बहुत इजी होंगे, बकायदा बनाए हैं, तो मसले वाली बात नहीं है। पहला सवाल ये है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी ब्रीच्ड, डिस्कस द पोजीशन ऑफ रेमेडीज अवेलेबल अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब ब्रीच माना जाएगा? प्लीज जरा जवाब दें। हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत स्टूडेंट्स हैं। धीरज बहुत अच्छा जवाब देते हैं, आरोन बहुत अच्छा जवाब देते हैं, पूरब बहुत अच्छा जवाब देते हैं, संदेश अच्छा जवाब देते हैं, और एक गर्ल स्टूडेंट है, हमारी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी बहुत अच्छा जवाब देती है, के नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो आपका जरा ही जवाब दीजिए, कब माना जाएगा ये एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है, ब्रीच हुआ है? आंसर चाहिए मुझे, बताइए। आपके सामने जवाब लिखा हुआ भी है?
अरे बोलो भाई, अरे माइक को बोल दो। एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। अरे सर कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड व्हेन आइदर वन ऑफ इट्स प्रोविजंस इज ब्रीच्ड बाय द पार्टी व्हिच इज ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म इट और एग्जीक्यूट इट, और इट कैन बी ब्रीच्ड इफ इट इज रिनेक्ट अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस लाइक दैट। बेस्ट है जी। और कोई कंडीशन बताइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एनीवन पूरा से बता दिया। सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इफ इफ यू वायलेट एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ कंडीशन सेट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, बेस्ट सो दैट विल बी ऑल्सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। बेस्ट बेस्ट आंसर है इनका, बिल्कुल सही बताया धीरज ने। अच्छा मेरा और तो बच्चों को एक गर्ल स्टूडेंट को अच्छा बताती थी, मेरा नाम मुझे ध्यान में नहीं, कौन थी वो, उसे अच्छा बताती थी। और एक और है आपका आरोन, आरोन को अच्छा जवाब देता हूँ जी, जरा बताएंगे जरा। अरुण कुमार जी सर, सर सर कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं उसके अगर हम उस पे नहीं उतर पाते तो उसको भी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कोई एक पार्टी है उसने कुछ क्लॉजेस ऐड करवाए हुए हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है सर। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अब मैं आपको एग्जांपल दुबई की ले रहा हूँ, आप लोगों में से कोई भी बताए मुझे जिसके भाई बहन वगैरह या अब्बू वगैरह दुबई में रहते हो। आपको जो है आपका जो शेफ है उसने आपको जो है वो अकामा दिया हुआ है, सही है। और अकामा में आपको करना क्या होता है कि वो साल भर की सर्विसेज आप उसको दे रहे होते हैं, ओके। अब उसने प्रॉमिस ये किया था कि आप ऐसा करें मेरे पास 8,000 दरम पे आ जाए, सही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 8,000 दरम पे आ जाए, सही है। मगर आप हम कुछ अर्से आपको देखेंगे भी, और वो जब हम आपको कुछ अर्से देखेंगे तो हम आपको जो पैसे देंगे, सैलरी देंगे, वो 5,000 दरम देंगे, ठीक है। और आगे परफॉर्मेंस आपकी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी तो आपका 3 महीने के पैसे जो कि 3,000-3,000 रुपये एक्स्ट्रा थे वो, और प्लस जो है आगे आने वाली सैलरी वो 8,000 दरम के साथ दी जाएगी। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने आपको 3 महीने के 15,000 दरम दिए, और एक्चुअल में जो उसको देने चाहिए थे वो देने चाहिए थे 8-10 तक कितना, 18, उसके लिए तकरीबन 1,06,000 रुपये उनको देने चाहिए थे, 1,06,000 रुपये उनको देने चाहिए थे उस हिसाब से जो भी पैसे बन रहे थे, मगर उन्होंने कम पैसे दिए और उन्होंने पूरे साल जो है 5,000 दरम के हिसाब से उनको सैलरी अवॉर्ड। आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या क्लॉज लगेगी? नेहा आसिफ बेटा, हाँ आपके जवाब अच्छे होते हैं, ठीक जी। मैंने आपको सवाल बता दिया, जरा मुझे जवाब बताइए। सर वो फुलफिलमेंट ऑफ पेमेंट नहीं कर पाए हैं, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई गेस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि आप दुबई में गए, दुबई में उन्होंने आपको अकामा दिया, उन्होंने कहा आपको जो लेटर उन्होंने ये बात वर्बली कही, कुछ आपको दिया नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है हमें सर्विस देंगे 1 साल तक, तो हम आपको 8,000 दरम के साथ चल सकते, ठीक है। जब आप वहाँ पहुँच गए, जाने का आपने काम शुरू किया, तो उन्होंने आपके अकाउंट में से सैलरी ट्रांसफर की, तो 5,000 दरम के साथ सैलरी ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि आप हम 3 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर परफॉर्मेंस हमें आपके का मार्क्स मिली तो हम क्या आपको 8,000 के साथ सैलरी देंगे, यानी कि 8 के लिए, यानी कि पुराने जो हैं वो 9,000 रुपये वो भी दे देंगे हम आपको 3 महीने के बाद, पुराने 9,000 वो आपको दरम दे देंगे, उसके बाद जो 4 महीने की सैलरी लगेगी वो आपकी लगेगी जिस हिसाब से लगेगी बताइए, 8,000 के साथ।
सर ये वाली कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले नहीं बोली गई थी ना बुलाने से पहले, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हो सकता है, तो आप कैसे चलाएंगे चीज को? आप चलाएंगे कैसे चीज को? बताइए आप किस तरह से चलाएंगे चीज को? Excuse me, sir. Sir, could you please repeat the question? I couldn't properly hear. Sir, basically, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। much better हाँ आप कोई सवाल बता दे पूरब को। एनीवन कोई क्वेश्चन बता दे पूरब को। सर आपकी आवाज स्लो थी तो क्लियरली सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। अरे बेटा दो तीन दफा बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन ये था कि एक साहब है उनको दुबई में जॉब के लिए गए हो और वो जो है क्या गए वो दुबई गए और जाने के बाद उनको पहली बात ये कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लेटर उन्होंने कहा तो यही देंगे। तो वो वहाँ पहुंचे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 3 महीने तक हम आपको ट्रायल बेस पर रखेंगे और हम आपको 8,000 दरम नहीं देंगे बल्कि हम 5,000 दरम के साथ सैलरी देंगे आपको। और वो क्या करते हैं कि 3 महीने तक जो है जो सैलरी मिलती है उनको वो 5,000 दरम के हिसाब से मिलती है और 4th महीने के हिसाब से उन्हें कोई चीज़ बताई नहीं जाती। और वो बंदा जो है वो क्या करता है कि उसको पूरे साल लोग काम करवाते हैं 5,000 दरम के हिसाब से भी काम करवाते हैं, 8,000 दरम उसको नहीं मिलते। अब बताइए कि क्या कंडीशन है? क्या क्या इसका आंसर पॉसिबल आंसर? सर प्रॉब्ली अगर वो क्लेम करता है इस चीज़ को तो बेसिकली पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड्स में ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं। मतलब ब्रिटेन में अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर तो हम इसको क्लेम नहीं कर सकते, अगर है हमारे पास तो फिर हम इसको क्लेम कर सकते हैं। और वो क्लेम बेसिकली अंदर का डैमेजेस आएगा कि मतलब उसका पूरा बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर में जो डेफिसिट आया है। सही। अच्छा तो इसके लिए देखिए आपका पहली बात ये कि आप सबसे पहले जो कम्युनिकेशन हुई है पहले दिन की कम्युनिकेशन उनको ईमेल कर दें, फर्स्ट दिन की कम्युनिकेशन को ईमेल कर दें और उनसे एक्नॉलेजमेंट लेते हैं चीज की, भाई हमारी ये बात हुई है जब मैं यहाँ पहुँचा देन आई आस्क्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सही है, तो यू डिडंट प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव गिवन मी एन आंसर अबाउट टेम्पररी हायरिंग फॉर 3 months इन डायरेक्ट टेन्योर। यू विल गिव मी 5,000 रियाल सही दरम जो भी पैसे हैं यूनिट है वो आप देंगे मुझे। तो सारी कटर्स और कंडीशन को लेके उनको ई मेल कर दें। सही, और ईमेल कर लेने के बाद उनका जवाब का वेट करें। ठीक है, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि आपको वो ईमेल का रिप्लाई तो देंगे ही। सर कैन ईमेल बी अ लीगल वैलिडेशन? हाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं है मगर बाहर है, मगर आप उसके लिए दूसरा चैनल यूज करेंगे वो आप ये चैनल यूज करेंगे कि आप प्रॉपर एक जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे और बनाने के बाद साइन करेंगे, साइन करने के बाद क्या करेंगे उसको TCS कर देंगे, सही है DHL कर देंगे उसको अपने ऑफिस के अंदर, उससे उनको वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा रिसीव और उसका जो टोकन है आपको मिल जाएगा। सही, और टोकन के अंदर क्या लिखा होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है एक लेटर जो दिया गया इस डेट पर और वो डॉक उसके अंदर क्या था वो सारी चीज़ें जो है आपसे बता रहे होंगे और उसकी कॉपी आप उसको रखेंगे।
सही, तो ताकि हम उसको फाइल कर सकें, तो 3 महीने 4 महीने पूरे हो जाएंगे। तो सही है, तो आप पहली बात है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें, अगर वो जेन्युइन लोग होंगे तो कहेंगे कि नहीं हम आपके 3 महीने के बाद एक बोर्ड बैठाएंगे, तो बोर्ड के अंदर आपकी परफॉर्मेंस के सामने रखेंगे और हम बता देंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है ना बेटा, इस तरह से आपसे तमाम तमाम लीगल आपके आपके हाथ में क्या है डॉक्यूमेंट वो समझे, आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है ना कुछ है, कुछ भी चीज़ नहीं। आप कोशिश ये करें कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं बोले मुझे ईमेल की कॉपी भी दे दें या मुझे एक प्रिंट आउट की कॉपी दे दें, तो वो आपको करेंगे कि जो कॉपी देंगे तो ये आपके लिए वैलिड होगा, फिर आपके लिए केस को जो है लड़ना आसान होगा। हाँ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगली दफ़ा 5,000 जो है दरहम ना दे बल्कि 4,000 ही दे दे। तो मैं बहुत केसेस का ऐसा जानता हूँ मैं, जिन लोगों को अपॉइंट किया गया कुछ पैसों पे और आखिर के अंदर जो उनको सैलरी उनके हाथ में रखी गई वो 2,000 दरहम उनके हाथ में रखी पैसे, तो 2,000 दरहम में होता ही क्या है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो लीगल केसेस हैं इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ला रहे होते हैं, मगर आपको साबित करना पड़ता है। अच्छा पहली बात ये जो कंपनी को आपको पता लगाना है, उसका इंटीन नंबर पता लगाना है क्या नहीं क्या करते हैं, वो कोशिश करें कि आप तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो इकट्ठी कर लें। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप केस करने का सोचे भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं आई ये बताएं, बात समझ में आई जी है? सर तो इसके अंदर जो है ग्रे एरिया क्या है, ग्रे एरिया ये है। इसके पहली बात ये कि आपने जो है आप उनको ये कहें कि मेरा 5,000 वाला ही कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे बना दें। ठीक है, और जब 3 महीने गुजर जाए तो फिर आप मुझे 8,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट आप दे दो, उसमें टेन्योर आप लिखें 3 3 मंथ्स। ठीक है, और 3 मंथ्स और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट ले दो ताकि आपके पास लीगल चीज आपके पास सामने आ जाए। फिर वो आर्ट फिर आपका 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप दुबई की किसी और फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकें। आपके पास ऑप्शन फिर अवेलेबल होंगे, अगर आप वहाँ फंसेंगे नहीं। मगर आपने एक दफ़ा 8,000 दरहम का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो आपको क्या हो रहा है, पहली बात ही कॉन्ट्रैक्ट आपको दे ही नहीं रहे, नंबर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपके पास इसके दे नहीं, तो ये तमाम चीज़ें जो है मैटर करती हैं। आप तमाम चीज़ें आप उससे ले लें, 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट ले लें, आपको काम आएगा। और इस काम आने का फायदा क्या होगा आपको मैंने आपको बता दिया, तो क्या होगा लेट से 4th महीने जो है आपको सैलरी नहीं दे रहे, तो 4th महीने आप वो कह रहे कि नहीं आपके लिए रखना चाहते हैं, तो आपके पास प्रॉपर जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट होगी, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होगी और जिसके बेसिस के ऊपर जो है आप चीज़ों को चला सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपकी समझ में आ गया ये होता क्या है, समझ में आ गया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो भाई, समझ में आया नहीं आया यार, कुछ आया समझ में? मुझे लग रहा है मेरी माइक की आवाज में स्लो हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। हाँ ना कम हुआ है यार, हेलो आप सही आ रहा, हेलो हेलो सर अभी बेटर है बेहतर है। जी सर। हाँ आवाज़ जो है मुझे बेहतर लग रही है। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा था कि आप मुझे ये बताइए कि चीज़ें जो है आपको समझ में आई हैं नहीं आई हैं, ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, पूरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ देने के बाद आप तमाम चीज़ें करेंगे, इवन ये कि आप सबसे सिंपल ऑफ डेट जब आप ये काम करेंगे तो वो आप पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमारा इतना सामान ये चुरा के ले गए, हमारे कंप्यूटर चुरा के ले गए, हमारा ये चुरा के ले गए, वो आप पे इल्ज़ाम लगा देंगे डायरेक्ट, आप होंगे नहीं ऐसे। तो आप कोई चीज़ अगर वो आपको आईटी लैब दे रहे हैं या कोई लैपटॉप दे रहे हैं या आपको गाड़ी दे रहे हैं कुछ ऐसी कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि वो अंडरटेकिंग आपसे ले लें। ठीक है,
आप उसको अंडरटेकिंग ले लें, उसका जो है एसओपी बना लें कि भाई मैं जो हूँ ये गाड़ी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करूंगा, मैं गाड़ी ऑफिस से ही लूंगा, सही, और ऑफिस के अंदर ही पार्क करके घर अपनी कन्वेंस से जाऊंगा। आप इसमें कोई चीज ऐसा ही ना रखें कि जो मसला हो, तो ये तमाम चीजें आप लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप रखें अपने अंदर, तो वो माइंड करें कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप माइंड करें कुछ भी करें, मगर ये कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो जरूरी, तो वो फिर चीज ऑफिस के अंदर ही रहे, ऑफिस की चीज जो है वो ऑफिस के टाइम के अंदर ऑफिस में रहे, ऑफिस के बाद जो है ना रहे, तो तमाम चीजें जो है आपके खिलाफ जो है वो बड़ी हो जाती है, बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती है। मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई क्वेश्चन हो ये मैं आ सकता, कोई सवाल हो तो उससे पूछ सकते हैं, इसकी मैं टाइम बताऊंगा आपको, भेजा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की फिर रेमेडीज होगी हमारे पास, ये कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एनीवन? बताइए क्वेश्चन है आपका, हमारे पास क्या है इसकी कुछ रेमेडीज है, रेमेडीज के अंदर क्या है आपको बताना, ये है सूट ऑफ रिसेक्शन, इसके माने ये छुटकारा, इसके माने छुटकारा है, सूट फॉर डैमेजेस, जो नुकसान पहुंचाया उसके पैसे हैं। अच्छा क्वांटम वैल्यू नहीं होता, मेरिट नहीं होता, ये इसको लिखते हैं क्वांटम वैल्यू, ये देखें MERUIT, सही ना, आपके पास क्वांटम वैल्यू कहते हैं इसको, मेरिट नहीं होता, क्वांटम वैल्यू कहते हैं इसका मतलब, आपने इसको दिहाड़ी मिली मजदूरी मिली उसको क्वांटम वैल्यू कहते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, इसके माने आपके तामील मुखलस, यानी तामील मुखलस के माने ये कि आप तो जो चीज नहीं गई आपने वो की, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मिसाल के तौर पर आपको कोर्ट ने आपको रोका हुआ है कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते और आपने क्रिकेट जो है वो नहीं खेली, सही, तो आप आएंगे सूट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर आपके पास इसके अंदर जो है हो सकता है कोर्ट आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, आपको वक्त से पहले ही जो है वो आपको क्रिकेट फुल गोल दे अलाउ कर दे, तो ये तामील मुखलस कहलाता है, सारे फैक्टर्स जो इसमें आ रहे होते हैं। सूट फॉर इंजंक्शन, सही, ये आपको टर्मिनोलॉजी आके आती आपको पता है होता क्या है, डैमेजेस के माने जितना नुकसान पहुँचाया आपने, सही, उसको डैमेजेस कहते हैं, डैमेजेस के माने नुकसान पहुँचाया, मिसाल के तौर पर आपने कोई मार्केटिंग वगैरह की या कोई ऐसा काम किया और मार्केट में कंपनी का नाम खराब कर दिया, कंपनी की जो गुडविल है आपने जीरो कर दी, तो ये आएगा सूट फॉर डैमेजेस में आएगा, मतलब ये कि आपको कहा गया था मिसाल के तौर पर कंपनी की कुछ सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें कंपनी की बाहर नहीं बतानी, आपने क्या किया वो बातें सारी की सारी बाहर बता दी, वो बाहर बता दी, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ सूट फॉर डैमेजेस। अच्छा तो हुआ क्या है इसके अंदर, आपका बेनजीर जब डेथ हुई थी उसमें 2007 के मेरा खास, 2007 के अंदर जो है वो कोरंगी के अंदर कुछ लोगों ने जो है इंफॉर्मेशन दी, डेनम कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी कि इसके अंदर जो है बड़े अन इस्लामिक जो क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं और अन इस्लामिक क्लोथ्स में एक्सपोर्ट होते हैं, अब उन्होंने जो जिसके वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इसके, तो मैं वर्ड नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ वर्ड्स का, और फीमेल क्लोथ्स हैं जो यहाँ बनाए जाते हैं क्योंकि अन इस्लामिक होते हैं और यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो चमड़े का भी काम होता है तो डेनम का भी काम होता है उसमें इस्तेमाल, तो अब क्या किया कि लोगों ने उस कंपनी के का जो है वो इस तरह की चीज़ लोगों को बताई कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, उस पर हुआ क्या कि जो पब्लिक जो थी वो पागल हो गई थी, उसने क्या किया उस कंपनी को आग लगा दी, सही, उस कंपनी को आग लगा दी और कपड़े वगैरह सारे जला दिए, उन्होंने जो वो बना रहे थे मजदूरों वगैरह को मारा पीटा, खवातीन थी उनके साथ जो है बदतमीजी मौत थी, तो फूड फॉर डैमेजेस के अंदर आ रहा होता है, सही, और अगर ये चीज़ जो है पता लगती है किसी को कि भाई इस बंदे ने जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन जो सीक्रेसी आउट की है, इस बंदे ने सीक्रेसी आउट की है, तो आप उस बंदे कंपनी के जो लॉयर है उस बंदे
बंदे के खिलाफ जो मुकदमा दायर करेगा, जो सूट फाइल करेगा, उसको कहते हैं सूट फॉर डेफेंस। मिसाल के तौर पे आपके पास, अब मुझे कुछ नाम याद नहीं है एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का मुझे नाम याद नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसके मुताबिक किसी ने उड़ा दी, ये बात कह दी कि ये खातून है या ये शौहर जो साहब हैं, तो इनके अंदर ये मसले हैं, इनके अंदर ये मसाइल हैं, या कुछ है पर्सनल बात जो है किसी ने पब्लिकली जो है ऑन एयर कर दी। तो अब होगा क्या कि वो बंदे जिसकी वजह से वो बात ऐसी थी, जिसकी वजह से उनको अपना घर बार को छोड़ना पड़ा, उनको फैमिली ने खुदा भी कह दिया सही, और उसके बाद जो उस बंदे की जॉब खत्म हो गई और उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसके बच्चों ने जो उसे मिलना छोड़ दिया, और वो बंदा जो सड़क पर आ गया, और सिर्फ अफवाह थी जिस बात पर तमाम शुरू हुई और उसकी जॉब भी खत्म हो गई। तो अब वो बंदा जो उसके पास कोई इलाज नहीं इस चीज का, तो ये केस हुआ था फैसलाबाद में हुआ था, कहाँ हुआ था ऐसा केस? यस हाँ बेटा, ये केस हुआ था ना, इसमें उसने सुसाइड कर ली थी बंदे ने। अच्छा, तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है उसने केस फाइल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े खतरनाक केस था ये उस बंदे ने। टीचर पंजाब केस, ये वाला केस है ये। हाँ बिल्कुल, ये बंदा बिल्कुल सही, ये बंदा है। तो इसने जो है आपके पास सुसाइड कर ली थी, और वजह क्या हुई थी, सारे के सारे इस पे फेक एलिगेशन जो है लगा दी थी, और उस फेक एलिगेशन के बाद जो है इसको जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इसको जो है मार निकाल दिया, जॉब खत्म कर दी, जो रेपुटेशन थी वो खत्म हो गई। तो न्यू कॉलेज लाहौर के अंदर जो है लेक्चर ऑफ इंग्लिश, बंदे का इंतकाल हो गया, सुसाइड कर लिया इसने। तो ये बिल्कुल सही केस है, तमाम केसेस जो है वो जो आते हैं उसमें आप डैमेजेस के अंदर आते हैं, कि फैमिली मेंबर्स ने इसको छोड़ दिया, कभी बच्चों ने इसको छोड़ दिया, जॉब खत्म हो गई, ये तो हमारी सड़क पर आ गया। तो ये जो है अगर इसके पास कोई प्रूफ्स हैं कि बंदा ऐसा नहीं है, तो ये सूट फॉर डैमेजेस जो है कर सकता है अगेंस्ट दैट लेडी, कर सकता है, उसको कोई मसला नहीं है, इसके अंदर आराम से कोर्ट में जाए और ये बता दे कि भाई ऐसा है नहीं, और बाकायदा कोर्ट में जाके ये कहते हैं मैं हल्फे बयान देने को तैयार हूँ, और मैंने जो भी आप बयान दिलवाना चाहें वो आप देने को तैयार हूँ, मगर इस ये जो बात है इससे मेरे लाइफ का कोई ताल्लुक आपस में है ही नहीं। कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट ऑर्डर करेगी, ये करेगी, वो करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस होगा उस लेडी का जिसने इसको इल्जाम लगाया, एलिगेशन लगाई है, उसका क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद इतने क्लियर हो जाएंगे, मगर ये बंदा खुद खुशी नहीं करेगा। तो वजह ये, मगर कोर्ट और ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो ये जानते हैं यार ये बंदा ऐसा है नहीं, एक मिसाल है कि बंदा ऐसा है नहीं, मगर लोग असल में पता नहीं होता है लोगों को, लॉयर्स का, तो वो क्या करते हैं कि वो कोर्ट से बचते हैं। तो बेस्ट चीज़ कोर्ट में जाए बताएं, देखिए ये जो एलिगेशन है आप क्रॉस एग्जामिनेशन करवा लें लेडी का, और अदालत पे जो है एतबार करता हूँ, और अगर किसी जैसी है, अगर मैं गिल्टी पाया गया आपको, आपको राइट है, और यही उसकी कॉपी जो है ना कि आप मुझे निकाल के जॉब से, यही कॉपी ले जाके जो है कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लें, और स्टे ऑर्डर लेने के बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी उस यूनिवर्सिटी को, ये कॉलेज को ऑर्डर करेगी कि इस बंदे को टर्मिनेट ना किया जाए, इस बंदे को टर्मिनेट या निकाला ना जाए जब तक कि केस जो है कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो केस का फैसला आ जाता है आ जाएगा, तो ये डेफिनेटली जो है वो, अगर बंदा ऐसा है नहीं, तो अगर ये बंदा ऐसा होता तो सुसाइड क्यों करता, सही? तो ऐसा तो हो ही सकता है, इसका मतलब बेगुनाह आदमी अपने आप को जो है खत्म कर।
वाली बात है। जिस तरह से दूसरा जो केस था वो बताता हूँ आपको, कि असल में सब्जेक्ट कैसा मुझे। हाँ अली जफर केस बिल्कुल बेटा ऐसे ही, अली जफर केस के अंदर भी बिल्कुल सेम केस है ये। मैंने ऐसे केस को भी स्टडी किया है क्लास को पहले, मैंने कहा पता नहीं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, मगर आपने नाम लिख दिया केस। बाय उषा सती। अच्छा तो ये केस जो था आपके पास अभी दफा पे फाइल किया था केस, और मिशेल सफी ने फाइल किया था, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है हुई, लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी, तो उनको पता ही लगा था कि काफी पैसे जो है मिशेल सफी को देने थे किसी से, उसने लोन लिया हुआ था और वो पैसे उसके पास थे, और बेसिकली ये भी मेरिट है ये भी मेरिट है, और मस्ते वाले कोई ऐसी बात है नहीं। इन दोनों को लास्ट कॉन्सर्ट किया था, उसके अंदर जो फासला था 6 फिट का फासले से उन्होंने जो है कॉन्सर्ट किया था, और जिस केस का ये कहती है कि मुझे इस तरह से कहा, 6 फिट का फासला था जो लोग थे, उन्होंने बाद में साबित की भाई इनका कोई ऐसा टच भी नहीं हुआ इनका आपस में, ये हम ये बताया। तो इसमें जो पैसे के लिए फिर उसको जो वर्डिक्ट है वो यही है, बकायदा कोर्ट के प्रूवन डिसीजन है, कोर्ट से साबित है ये बात। तो फिर आप जो डैमेजेस के लिए दोबारा से अली जफर ने इसके खिलाफ रखा, तो ये कनाडा कनाडा भाग गई है, और फिर कनाडा से जो है ये वापस आई नहीं। तो डैमेजेस का केस जो है मेरे पास 1 अरब रुपए का फाइल किया हुआ है आपके पास अली जफर ने मिशेल सफी के खिलाफ। तो उसके बाद से जो है ना शीज इन कनाडा, और कनाडा से जो है तो कोई पता पता नहीं, तो ये सारा का सारा केस है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे हैं चाहिए, तो पहली बात ये कि दैट डजंट लुक गुड, मुझे ये बंदे का तो बहुत ही अफसोस है। ठीक है, तो वजह ये कि जो सही लोग होते हैं उनके साथ कभी भी बंदा कोशिश करे कि ऐसा ना करे। अपॉन क्वांटम मेरिट्स, अच्छा क्वांटम मेरिट्स से मैंने मजदूरी का बता दिया, इस तरह से परफॉर्म का मैंने आपको बता दिया, के तमकीले मुखलिस कहते हैं उसको, उसका मतलब ये कि आप कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है और आप वो चीज़ें जो है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो काम नहीं कर रहा है। एक कोर्ट ने वो रुका हुआ है काम करने में, अब काम नहीं कर रहा है, तो कहते हैं शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आखिरी इंजेक्शन को करवा देता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है आपसे। सर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इंसान जो है वो चेक इशू करता है, तो सर क्या वो चेक एज अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर मतलब एक ऑब्लिगेशन के तौर पे हो सकता है? और वो अगर उसको बेसिकली ऑनर नहीं करता, मतलब वो मतलब कभी पास ही ना हो, तो क्या वो क्राइम नहीं होगा? हो सकते हैं साथ में, तो आप सही से मुझे खुल के बता दो, थोड़ा खुल के बता दो मुझे। सर बेसिकली खुल के मतलब ऐसे है कि मतलब पर्सनल केस ही कह सकते हैं। तो बेसिकली बैरिया टाउन जो है वो काफी टाइम से जो है चेक इशू करता है, मतलब उन्होंने बेसिकली कुछ चेक इशू किए थे, सही है? चेक बाउंस हो और रहा है, चेक बाउंस हो रहा हाँ चेक कंटिन्यूसली बाउंस हो रहा है, और है। आप मतलब कोर्ट में जाके फाइल करते हैं, चेक की कॉपी लगाएं, बैंक की कॉपी लगाएं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट लगाएं, सही है, और उसके बाद ले जाके केस आप कोर्ट में जाके फाइल कर दें कि भाई ये जो है ये चेक इशू हुआ था इसका बंदे से, इसके तो बकायदा जेल है तो स्टेट, इसने इशू किया होगा ये जाएगा वो। सही सर। तो मतलब हम फाइल इसमें कर सकते हैं। आप हाँ इसमें बिल्कुल फाइल कर सकते हो, आप चेक जो लेके जाए उसको लाल नीला पीला हुआ होगा, बैंक के सारे स्टैंप लगी हुई, इसलिए उसका टाइम होता है, टाइम के अंदर 1 महीने के अंदर कुछ टाइम होता है उसका, जरा करना पड़ता है। चेक लगाएं आप, उसके पास जो रिकॉर्ड है बैंक से वो निकलवाएं, सही है ना, उनको आप लिखें, बैंक वाले जो आपका कब अकाउंट है ना उनको आप लिखें कि भाई ये चेक आया है ये बाउंस हुआ है, आप उसका रिकॉर्ड निकाल दें, वो एक अजीब सी डॉक्यूमेंट आपको निकाल के देंगे कंप्यूटराइज, अजीब अजीब सी चीजें उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लाल नीला पीला हुआ होगा, वो आप लगाएं उसके साथ, उसके साथ बैंक को लिखें स्टेट बैंक को कि आप ये बताइए चेक बाउंस हुआ था क्या करूँ, लीगल डिपार्टमेंट को, लीगल डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा वो कंडीशन बताएगा, वो प्रॉपर लेटर देगा आपको, और वो लेटर ले जाके बैंकिंग कोर्ट के अंदर जमा करा दें, बैंकिंग कोर्ट जो जो करेगी ना फिर वो दुनिया देखेगी, फिर बकायदा अखबार में आएगा, फिर समझ।
बहुत सख्त इंस्पेक्शन है, एक्सट्रीम सही, मतलब उसके चेक के पीछे देख लीजिएगा, वो गिरफ्तार यानी कि जिस दिन ये केस फाइल होगा ना उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस जो है जिसने जिसके साइन होंगे सिग्नेटरी होगा ना उसको पुलिस फिर से उठा देगी, फिर से उठा के ले जाएगी उसे सही, और ले आके बंद कर देगी जेल में और कोर्ट के सामने अगले दिन प्रोड्यूस करेगी। वैसे देखा जाए हम तो कॉमन सिविलियंस हैं और वो लाइक ह्यूज जायंट्स हैं, इतने केसेस हैं उनके ऊपर, तो वो कैसे मतलब प्रोबेबली भाई केस तो आप अंडरमाइन हो जाएगा। आपके आप नहीं अंडरमाइन नहीं, आप अथॉरिटी लेटर देखो ना, अथॉरिटी लेटर किसी ने तो उसको दिया ना चेक इशू करने का, किसने दिया है? सॉरी तो जी मैंने तो सर, नहीं दिया, जिसने अथॉरिटी लेटर दिया वो जो बंदा कोर्ट में आएगा ना, जो कोर्ट में आने के बाद उससे कोर्ट कहेगी कि अथॉरिटी लेटर पावर अटॉर्नी लेके आओ, अथॉरिटी लेटर लेके आओ, अथॉरिटी लेटर लेके आएगा वो, अथॉरिटी लेटर ले जाने के बाद कोर्ट में जमा कराएगा, जिसने अथॉरिटी लेटर इश्यू किया होगा ना जो बंदा होगा उसको कोर्ट जो है कहेंगे आप कोर्ट में पेश करें, आप जब उसको कोर्ट में पेश करेंगे उससे पूछेंगे मसला क्या है सही है, तो वो बंदा जो है अपनी जान बचाने के लिए पहली फुर्सत के अंदर जो है वो कैश लेके आएगा और वो कहेगा कि मैं इसको सरेंडर करता हूँ और ये पैसा जो है मैं उनको देना चाहता हूँ, तो कोर्ट के सामने जो है वो जमा करवा देगा, यानी वो होता है कोर्ट के अंदर जो है सेक्शन होता है उसका क्या कहते हैं नज़ारत कहते हैं, नज़ारत नज़ारत का सेक्शन होता है उसके अंदर जो जमा करवाएगा, और खजाना खजाना भी कहते हैं उसको, नज़ारत भी कहते हैं, उसमें तो जमा करवाएगा, जमा करवाने के बाद जो है फिर वो वहाँ से जो है जो उसका वो है कैशियर जो है वो सिंध गवर्नमेंट की स्पेशल कोर्ट की स्पेशल जो है बुक्स होती हैं, चेक बुक्स होती हैं स्पेशल, होती हैं बड़ी अजीब वरीब टाइप की, पिंक कलर की पिंक ऑरेंज कलर की होती है, वो जो है फिर वो आपको चेक काट के देगा वो कि आप ये लें, फिर आप स्टेट बैंक से जाके वो पैसे ले लें, मिल जाएगा। मगर ये चेक के पीछे देख लेना श्योरिटी तो नहीं लिखा हुआ, अगर श्योरिटी लिखा हुआ है तो अरेस्ट नहीं कर सकते उसको, मगर कोर्ट बुला लेगी उसे, अगर चेक के पीछे लिखा हुआ है उसके जो डबल साइन करेगा ना वो तो देखा श्योरिटी, तो श्योरिटी अगर लिखा हुआ है पीछे तो उसका मतलब ये पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये लीगल इसका आई थिंक सर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पीछे कुछ पीछे अगर खाली है ना तो आप आराम से जाके बैंक से चीजें निकलवाएं, स्टेट बैंक को एक लेटर लिखे उनको बोले ये चेक का ये डेट थी कौन सी डेट थी इन्होंने जमा करवाया, आप उसे गाइड करें, वो करेंगे कि आप उसको लेटर देगी वो करना क्या है, वो लेटर पे स्टेट जमा करवाएं, लॉयर को पकड़ाएं, बैंकिंग कोर्ट का लॉयर, हर हर क्रिमिनल कोर्ट के लॉयर को नहीं देना, बैंकिंग कोर्ट के लॉयर को दें, और वो फिर क्या करेगा जो करेगा वो आपके सामने आ जाएगा। सही, ठीक है, एक मिनट बाद आप ज्वाइन कीजिएगा उसको, मीटिंग शुरू कर दो। अच्छा बेटा, तो हमारे पास मैंने बता दिया कंडीशन, डिस्क्रिप्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर गुड टू बी ऑन 15 जैन दिया गया टू पे द प्राइस ऑफ दिस गुड ए डज नॉट सप्लाई एंड ड्यू डेट बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू पे वी कैन रिसाइन एंड क्लेम डैमेजेस जी। ये बताइए कि
अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, आपके पास के 32 शुगर मिल डेली बिलियन से होती है, इन पेमेंट टू द फार्मर कौन सा लॉ का सेक्शन लगेगा बताइए जरा। जी 2020 से मिलकर मेरा बताइए कौन सेक्शन लगेगा लॉ का। बताइए क्या आंसर करें। बता रहा बता रहा नो सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया था, सॉरी। बता रहा है इसका इस नो सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया था। नहीं नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तकरीबन 39 का 32 शुगर कंपनीज ने 32 शुगर कंपनीज ने पेमेंट नहीं की है फार्मर्स को, कौन सा सेक्शन लगेगा लॉ का। सेक्शन कौन सा लगेगा लॉ का, ये पूरा भाव बताएं। हेलो बताइए पूरा बैकग्राउंड पूरा बैक एरन है, हमारे पास लक्ष्य है, नेहा है, एरन उसके बाद पारिया है माशाल्लाह। तो ये वजह ये कि उन्होंने गन्ना खरीद लिया है आपका फार्मर से, मगर उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं फार्मर्स को, कौन सा सेक्शन लगेगा लॉ का। तो बताएगा नो आइडिया सर, नो आइडिया, अभी तो पढ़ाया है हमने, हम पेमेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो सेक्शन 74, 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, यह बिल्कुल सही बताया बच्चे ने हमारे, इसके अंदर देखिए आपके पास मैंने अभी पढ़ाया सूट फॉर डिस्कशन, इससे मतलब ही यही है, किसी एग्जाम्पल यही कह रही है कि इन्होंने आपसे सर्विसेज ले ली, आपसे सर्विसेज ले ली और में लायबल है ये पेमेंट के लिए, मगर इन्होंने पूरा साल गुजरने के बावजूद 32 कंपनी ने फार्मर्स को शुगर गेन के पैसे नहीं दिए। ठीक
उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास स्टेप नंबर वन जो है वो हमारे पास हो रहा है। अगर लॉ के हिसाब से सूट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे यहाँ पर तो आपको इसकी दफा मिल जाएगी। ये वही चीज है हमारे पास जो बता रही है कि इनको यहाँ पे देने थे पैसे नहीं थे। कोर्ट में रिक्वायर्ड पार्टी सेटिंग टू टू तो कोर्ट जो ये फैसला कर देगी इसके मुकाबले ज्यादा टाइम भी लगाएगी। सारे के सारे यहाँ पे लीगल टर्म्स लिखेंगे। सब सेक्शन जो एक्ट वगैरह सारे यहाँ बताए हैं जो जिसकी वजह से फिर ये जो है फंस जाएंगे जाके। कहने का मेरा मतलब यही है ये सारे लॉज हैं जो आपको बताए हैं, जो फिर नहीं समझेगा तो आप कोर्ट समझा देगी इससे बहुत अच्छे तरीके से। वो कहने का मेरा मतलब यही है ये चीज हमारे पास सूट फॉर रजिस्ट्रेशन है हमारे पास जो कि हमारे पास एक अप्रैल के हिसाब से हो रहा है। अच्छा उसके बाद क्या है सूट फॉर डैमेजेस जिस मॉनेटरी कंपनसेशन अबाउट टू इंजर्ड पार्टी फॉर द लॉस ऑफ हिम ड्यू टू ब्रीच द डैमेजेस आर द फॉलोइंग काइंड कंपनसेशन अबाउट फॉर डायरेक्ट लॉस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज एंड कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल deliver 50 kg slurry to 50 kg of the particular date on the due date it was delivered because of the price on that date it will be 60 per kg and claim damage up to 10 kg per kg. आप मुझे ये बताइए कि आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी ग्रॉसरी स्टोर गए हो या वो चिकन वगैरह खरीदने गए हो। जी जरा बताएं सर। सभी गए होंगे। सभी गए होंगे। अच्छा अब इसमें क्या है कि आप जब ग्रॉसरी जा रहे हैं अगर आपके पास एक इवेंट है उस इवेंट के अंदर आपने सब्जी खरीदनी है आपको चिकन खरीदनी है तो जब आप वहां पर गए तो आपने उसको बता दिया था कि भाई हमारे यहाँ दो हफ्ते के बाद घर के अंदर एक इवेंट है एक बर्थडे पार्टी है सही तो उस वक्त के हिसाब से जो चिकन के प्राइस थे तो 285 रुपये पर के जी थे जिंदा के सही है और उसके बाद ये गोट्स के जो प्राइस थे 340 रुपये थे वो उन्होंने बता दिया सारा का सारा। दो हफ्ते के बाद हुआ क्या कि वो चिकन के प्राइस चले गए आपके पास कितने वो 650-700 रुपये चले गए प्राइस। अब उसने क्या किया बंदे ने कि जिसने आपको बिल बना के दिया था जिसने आपको पेमेंट दे दी थी सही है वो पेमेंट देने के बाद आपने हाफ पेमेंट उसको दे दी थी हाफ पेमेंट जब वो डिलीवर करेगा तो उसके बाद उसको पेमेंट देंगे। तो उसने एट द 11th आवर उसने कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको जो है वो जो खाना है वो सप्लाई नहीं किया। उसने कहा कि मेरे पास मैं ये खाना सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं आ रहा ये मेरा इसकी बाय नहीं कर पा रहा हूँ उसको क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं ठीक है। तो अगर आप मुझे डिफरेंस देंगे तो यानी सुबह कह रहा है शाम में इवेंट है सुबह कह रहा है तो बनवा देता हूँ मैं
अगर आप डिफरेंस नहीं देंगे तो मैं इसको नहीं बनवाऊंगा और आप अपने आके पैसे दे जाएं, आप बताइए क्या करेंगे? क्या बताएं क्या करेंगे? तो बेटा रोन आप बता दो बेटा, क्या हमारे पास जो है लक्ष्य है, उसके बाद ईशा भी है माशाल्लाह, फातिमा फारिया भी है, बाबू रहमान भी अच्छा बोलते हैं आजकल बहुत चुप हैं, और अमीर गौरी भी बोलते हैं मगर आजकल चुप है, मतलब इसके अंदर आप क्या कहेंगे? उसको बता देंगे कि भाई मैं मेरे पास जो है ना मैंने इतना पैसा आपको दिए हैं और आपने मुझसे वादा किया था और आप ही मुझे करके देंगे, अगर आप नहीं करके दे देंगे तो आप ऐसा करें फिर कल कोर्ट में आ जाइएगा। जी वो आपको सप्लाई करेगा खाना? सप्लाई करेगा खाना? अरे क्या हो गया, पॉज में क्यों चले गए सारे? सर इफ अ बिल वाज रिसीव देन कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ, बिल्कुल सर यही तो बात है, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे इन लोगों का जवाब तो चाहिए, ये भी तो लॉ ही पढ़ रहा है ना। यस सर। हाँ तो बताए होगा क्या, इलाज क्या होगा इस चीज का? सर कन्विंस करेंगे दोबारा किसी ना किसी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, फिर दोबारा कोई बात साइन करेंगे, यही करेंगे मतलब इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो ठीक कह रहे हैं और सही बताया। वैसे जो मैंने पाकिस्तान के जो मैंने देखे सप्लायर्स देखे या आपके पास किचन देखे, तो क्या अगर पैसों जो बढ़ते हैं पैसे तो क्या वो आपको जो है पढ़ा के चार्ज नहीं करते? जी और करते अगर अगर वो चीज सस्ती हो जाए, अगर वो चिकन है मिसाल के तौर पे अभी 600 से कम होके वो 250 रुपए पे आई हुई, तो जो उन्होंने चार्ज किया है 600 के हिसाब से 2 हफ्ते पहले से, तो जो चिकन का जो फर्क आएगा क्या वो उस फर्क को जो है उन्होंने वापस करते हैं पैसे या नहीं करते? नहीं करते। नहीं करते, बात समझ में आ गई आपको? यही मुझे सवाल पूछना था कि उसके मतलब चीटिंग कौन करता है? नहीं, चीटिंग कौन करता है? जो क्लाइंट होता है उसको तो पता नहीं होता कि अगर अगर मिसाल के तौर पे आप कढ़ाई बनवा रहे हैं तो उस वक्त जो है कढ़ाई के अंदर टमाटर जो है सर्दियों में उसी कीमत चले गए 400 रुपए किलो, तो वो आपसे 400 रुपए के हिसाब से पैसे देंगे कि टमाटर महंगा हुआ हुआ है, मगर वही कढ़ाई जो है हमारे पास अगर टमाटर के सीजन के अंदर है और तो क्या मालूम। हाँ तो क्लाइंट बेवकूफ है ना, ये तो पढ़ा रहे हैं लॉ पढ़ा क्यों है, तो पढ़ा रहे। अच्छा और अगर हमारे पास वही जो है टमाटर हमारे पास उसकी कीमत जो है सीजन के अंदर है और वो अगर 20 रुपए किलो है, सही है, या 30 रुपए किलो है हमारे पास, गाजर गाजर का भी है 15 रुपए किलो है 10 रुपए किलो है, तो क्या वो डिफरेंस जो है क्लाइंट को वापस करते हैं हाँ या ना? सर नो, वो अपना प्रॉफिट समझ के देते रहते हैं। यस सर। यहाँ पर इसका आर्टिफिशियली ये आता है सूट फॉर डैमेजेस के अंदर, सही, कि इन्होंने हमसे जो चार्ज किए पैसे वो
इस पैसे के हिसाब से चार्ज किए। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने पता अभी गवर्नमेंट ने जो है ये टैक्सेस जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो 17% से कम करके अब 12% जो गाड़ियाँ बुक हो गई हैं जिनकी डिलीवरी अभी अगले महीने आगे हफ्ते होने वाली है, तो क्या वो डिफरेंस हो गए वापस करने में? या जो बाइक जिनके जिन पे एक्साइज ड्यूटी जिसने दुकान वाले ने खरीदी है वो उसने 19% के हिसाब से ड्यूटी दी हुई है, तो क्या वो 12% के हिसाब से आपको वो बाइक देगा या नहीं देगा? अगर एक चीज उसने 119 रुपए की खरीदी हुई है तो वो 112 रुपए गवर्नमेंट ने क्या है कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, अब वो चीज 119 रुपए की चीज जो है 112 रुपए की होती है, तो वो आपको बाइक 112 रुपए के साथ देगा या नहीं देगा? सर नहीं देगा, 119 से भी महंगी देगा, नहीं देगा कैसे? हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा है, लॉ बिल्कुल ढंग से समझ रहे हैं। ये वो चीज है, इसमें था पेट्रोल का हुआ था कि पेट्रोल जब गवर्नमेंट ने 25 रुपए कम किए थे, तो 25 रुपए कम करने के बाद अब लोगों ने जो ईरान से पेट्रोल मंगवाया हुआ था, यहाँ से पेट्रोल मंगवाया हुआ था, जो सब तकलीर किया हुआ था पेट्रोल, तो सिर्फ पाकिस्तान जो पेट्रोलिंग कंपनी है पाकिस्तान की वो PSO सिर्फ वो आपको 75 रुपए के हिसाब से पेट्रोल दे रही है ऐसे ही, मगर बाकी शेल हो गया, कैलटेक्स हो गया और बाकी जो अजीब अजीब सी जो कंपनी है नीलगिरी वो हो गई, टोटल हो गई, उन्होंने क्या किया था अपने पेट्रोल पंप, उन्होंने कहा थे कि हम ये बंद कर दिए, हम पेट्रोल की सप्लाई दे ही रहे हैं, सही, और पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोल का मसला खड़ा हो गया था। तो बताइए किस एक्ट के अंदर जो है इन सारे लोगों को जेल होगी, बताइए जो है जेल होगी बिल्कुल a certain price and had to decide in writing they are not obligated to reduce the prices. तो गवर्नमेंट ने किया ना, हाँ ये आपके पास डैमेजेस तो आ रहे हैं और क्या आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने जिस प्राइस में गवर्नमेंट ने आपको भाई एक चीज उन्होंने खरीदी ली है, बिजनेस के माने प्रॉफिट भी होता है बिजनेस में लॉस भी होता है, अब आपने क्या किया कि आपने पेट्रोल खरीदा हुआ है, आपने पेट्रोल खरीदा है 99 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का उसको 100 रुपए का उसको बेचते, गवर्नमेंट ने क्या किया आते के साथ ही उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें नीचे लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने 99 से कम करके उन्होंने 75 रुपए कर दी, सही, अब 75 रुपए कर दी तो अब उन पे लाजिम था, सही, ये आपके पास क्या करते कि आपके पास ये बताते कि ये हमारा स्टॉक है, इस तरीके का स्टॉक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि हमारी पेमेंट से हमारा डिफरेंस है। अच्छा, अब हर दफा तो प्रॉफिट भी होता है, अगर वो बिजनेस जिसमें कभी लॉस ही ना हो, सही, वो बिजनेस जिसमें कभी लॉस ही ना हो तो वो बिजनेस को बिजनेस इस्लाम में तो वो अलाउ ही नहीं, सही, वो आपको बिजनेस करने को मना किया गया, प्याज का बिजनेस करेंगे, शराब का बिजनेस, सही, वो आपको मना किया गया है, आपके पास सूद का बिजनेस मना किया गया, सट्टे का बिजनेस इसको मना किया गया, इस तरह के बिजनेस जिसमें कभी लॉस हो ही ना, तो आप वैसे ही नेगेटिव बिजनेस होते हैं, असले का बिजनेस और उसके बाद ये जो गंदे काम करवाते हैं उसका बिजनेस, सारे जो है ये नेगेटिव, ये तमाम वो बिजनेस जो नेगेटिव कहलाते हैं, उसको तो कभी किसी रूप में अलाउ नहीं किया जाता, तो आप पेट्रोल वाले में कहती है कि इनको इतने 100 साल के बाद अगर कोई डिफरेंस आ रहा था, पैसों का डिफरेंस आ रहा था, तो क्या करते कि कम पैसों वालों का पेट्रोल जो है वो मंगवा लेते, अपना रिजर्व कर लेते और उसके बाद सेल करते, तो प्राइस भी चेंज होती, उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने पेट्रोल के सप्लायर होंगे, उन्होंने कहा हम उस पैसे पर ही पेट्रोल बेचेंगे जिस पैसे के ऊपर हमने खरीदा, सही, तो इस वजह से जो है उन्होंने डैमेजेस उन्होंने बियर नहीं किए, हालांकि बिजनेस के रूप के हिसाब से तो डैमेजेस बियर करने चाहिए थे, क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये अगले मिनट के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते और होला, हालांकि तो टाइम बताया हुआ होता है कि आपने इस टाइम से जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है वो भी इंतजार नहीं करते, वो उस अगले मिनट से जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, मगर जब इस कंडीशन के अंदर हुआ
पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की सर्विसेज उन्होंने बंद कर दी और जिसकी वजह से कितने लोग मरे, कितने मरीज जो है वो खत्म हो गए, कितने लोग ऑफिस में जा सके, आपको पूरी कहानी पता होगी। ऐसे ही नहीं, तमाम चीजें आती है सूट फॉर डैमेजेस के लिए। एग्जाम्पल भी ये एग्जाम्पल जो है वो यही है। Damages are a compensation awarded for direct loss caused by a breach of contract. Special damages are provided only in those circumstances where the counsel at the time of entering the contract is on about the loss. सही है, special damages है। Special damages are provided only in those circumstances. अच्छा, अब आपको जैसे ही बंदा एंटर हुआ, यानी कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कि आपने फिर बॉल हेड करवाई, उसके बाद ओले पड़ गए, तो आपको डैमेज स्टूडेंट के अंदर स्पेशल डैमेजेस देकर उसको कम्पनसेट कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि कोई बंदा आपका पार्टनर है, उसको जो है वो लॉस हो गया, उसने पैसा लगाया और प्रॉफिट के बजाय उसको लॉस करने लगा, तो स्पेशल डैमेजेस देकर उसको खड़ा किया जा सकता है। उसको बाद में भले आप काट लें, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ स्पेशल डैमेजेस की। डैमेजेस की मतलब ये, कितने बच्चे ऐसे जो जॉब करते हैं, हमारे बच्चे ऐसे में जॉब करते हैं, कभी ना कभी उनको जॉब करिए जी। कोई भी नहीं ऐसा ट्यूशन पढ़ाया, अच्छा इसके अंदर अच्छा, जब आप जॉब करते हैं खुदा ना करे अल्लाह ना करे खुदा ना करे अल्लाह ना करे, तो होता क्या है जब आप जॉब कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे जो है आपकी सैलरी आपको इशू हुई और वो सैलरी जो है वो किसी ने आपको गर्ल पढ़नी चाहिए या फिर, तो बीच में ऐसा मसला हो गया, ये मसले की वजह से जो है आप सैलरी को नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी चीज हो गई कि वो सैलरी जो है वो पानी में बह गई, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, वो मसला हो गया। तो कोई और ऐसा मसला हुआ कि कोई ऐसी चीज भी जिसमें आपका कसूर नहीं था कोई और आपकी सैलरी खत्म हो गई, फैक्टर होता है डेट के साथ क्या करते हैं, डेट किस करते हैं कि वो एप्लीकेशन लिखता है और बता देते हैं कि क्या चीज़ है, सही ना। और जाहिर सी बात है कि जिनकी गुडविल अच्छी होती है उनको ये रिटेन करते हैं, तो करते क्या है कि वो आपको उस महीने को रन करने के लिए आपके पास एडवांस में हाफ मंथ की सैलरी मिल जाती है, या आप ये महीना चला दो मिसाल के तौर पर आपकी 1 लाख रुपये सैलरी, तो वो उन्होंने आपको कह दिया कि आपको पास 40 से 50 हज़ार रुपये दे दिए कि आप ये चलाओ। वो बंदा कर सकते हैं 40 से 50 हज़ार के अंदर जो महीना गुजारता है, फिर अगले महीने जो है उसकी सैलरी जो मिल रही होती है हाफ सैलरी मिल रही होती है, तो चीज़ें उसकी नॉर्मलाइज होना शुरू जाती हैं, चलना शुरू जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जो आती हैं ये आपके पास स्पेशल डैमेजेस के अंदर आना होता है। तो कुछ मैं बहुत सारी ऐसी डिबेट्स को जानता हूँ, लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम जॉब की, अच्छा लोगों को पता लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की, अब उन्होंने कह के जब वो जॉब पैसे लेके निकली, कैश उनको मिला वो लेके निकली, उनको सड़क पर रुक लिया, उनको पैसे लेके भाग गए, इन दैट केस जो कहते हैं करे तो करे क्या, उनका ऑप्शन कोई नहीं होता। इवन ये कि जो घर में काम करने वाली होती मेड्स, उनके रिश्तेदारों में से कोई लोग होते हैं ये काम कर रहा था, तो फिर करें क्या, तो कहने का मतलब ये कि कंपनी क्या करती है कि ये लॉजिक अपनाती है, ये लोग अदाती करती है, फॉलो करती है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बंदा जो है वो लॉस में नहीं आता, वो अपना घर को चला सकता है, किचन चला सकता है। अगर पाकिस्तानी तो जाहिर सी बात है अगर मिली भी होती है जेबें भी होती है उसके बावजूद कहते नहीं। अच्छा हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सी टू बाय 1 टन आयरन फॉर 8,000 आल्सो टू सेल बी 1 टन आयरन फॉर 1 लाख। इन फॉर्म सी अबाउट द परपस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी कैन टू सप्लाई एज अ रिजल्ट एंड ही कैन नॉट सप्लाई टू बी, सी इज लायबल फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हिच ए वुड हैव अर्न फ्रॉम बी। देखिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ बाय 1 टन आयरन फ्रॉम 4 रुपीज़ 80,000, इनमें सी के साथ जो है 80,000 रुपए का लोहा खरीदा, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ और बी को ये कहा कि मैं 1 टन सोना 1 टन लोहा आपको दूंगा 1 लाख रुपए के हिसाब से, इसका मतलब जो ए है उसकी जो जेब में पैसा आ रहा है, ये जो है उसकी जेब में पैसा आ रहा है 20,000 रुपये,
जो है कुछ ना कुछ करके ये बात जो है गलती से इसने इसको बता दी। अब ए ने क्या की, ये बात गलती से सी को बता दी। सी ने क्या किया, सी ने कहा कि मैं आपको, सी ने क्या किया, सी ने आपको कह दिया कि भाई मैं आपको दे नहीं रहा, लोहा ही नहीं दे रहा हूँ, जाओ। एज रिजल्ट ए कैन नॉट सप्लाई टू बी। अब ए जो है बी को सप्लाई नहीं कर पाया, सी इज लायबल फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ए वुड अर्न फ्रॉम बी। अब जाहिर सी बात है जब उसको पैसे मिले ही नहीं, ए को 80,000 मिले ही नहीं, तो वो क्या उसको पे करेगा? जब उसको 1,00,000 मिले ही नहीं, उसी को क्या पे करेगा? ए वो उनको कह देगा कि भाई मेरा इरादा था ये खरीदने का, मगर मैं नहीं खरीद पाया, और मेरा जो मैंने टोकन मनी दिया मुझे वापस कर दिया। टोकन मनी के लिए कहेगा कि भाई टोकन मनी वापस कर दिया, तो यही बोलेगा वो, ठीक है। और अब वो पार्टी जो है डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, वो करती है, मगर वजह ये कि आपने एक नहीं मल्टीपल वेंडर से हिसाब लेते हैं, मल्टीपल वेंडर से आप जो है वो क्या करते हैं, जिसका नाम होता है मल्टीपल वेंडर से प्रोक्योरमेंट करते हैं और उनके मंगवाते हैं, आप क्या कहते हैं उसकी जो पेमेंट्स होती है ना, उसकी स्लिप्स होती है, मंगवाते हैं, और मंगवाने के बाद आगे देखते हैं कि ये चीज़ हमें पड़ेगी कितनी, तो वो तमाम चीज़ें अगर एक बंदा मना करते तो दूसरे बंदे से लेकर वो चीज दे दी जाती है, ऐसा होता है। बात बिल्कुल सही, डेफिनेट डैमेज आर रिकॉर्डेड विद द व्यू ऑफ पनिश द गिल्टी पार्टी फॉर द ब्रीच एंड नॉट टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड। Definite damages are awarded only in the following case for the purpose of the promise to mend the amount of damages given upon the extent of abuse of feeling of the party or wrongful dishonor check by a banker. जो आपका सवाल है ये आपके पास आ गया पूरा, ठीक है, ये आपका सवाल है, सवाल का जवाब, ठीक है। Exemplary damages क्या होते हैं, damages में आई चीज, अच्छा उसके बाद ये एकदम डैमेज के अंदर जो होते हैं मुअज्जल और गैर मुअज्जल, इमीडिएट और डिलेड, सही है। तो जब निकाह पढ़ाते हैं तो उसके बाद दो चीजें होती है, एक मुअज्जल होता है और गैर मुअज्जल होता है। इमीडिएट के माने फौरन, आप जो बीवी को जो है वो फौरन के फौरन उसके हाथ पे जो पैसा रखते हैं निकाह होने के बाद, उसको हम कहते हैं इमीडिएट, उसको हम कह रहे होते हैं। और फिर आप अगर कहते थे मगर आप माफ नहीं करवा सकते, ये जो पैसा है ये आप माफ नहीं करवा सकते, ये बात याद रखिए, आप माफ नहीं करवा सकते, जाके कहते हैं कि नहीं ये आप पैसा माफ कर दो, नहीं ये नहीं हो सकता, सही है। तो आपके पास कुछ केसेस, कुछ बिरादरी, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है जो माफ करवा देती है, मगर जो राइट है, राइट है। अच्छा बेटा आप मुझे कनेक्ट करो थोड़ी देर में, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर?
अच्छा भाई ओके जी आपके वापस आ गए सारे। तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस जो हमारे पास यहाँ पे आ गए इसमें है क्या, आर अवॉर्डेड विद अ व्यू टू पनिश द गिल्टी पार्टी फॉर ब्रीच एंड नॉट कंप्लीट द इंजर्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड एग्जेम्पलरी डैमेज आर। अच्छा इसमें जो आपके पास शादी के लिए जो आपने हक मेहर दिया होता है ना वो हक मेहर देखिए माफ नहीं होता, वो डेफर्ड हो जाता है, डिले हो जाता है मगर डेफर्ड नहीं होता। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा, इसका मतलब उसको
माफ नहीं करवा सकते, कम करवा सकते, 100% माफ नहीं करवा सकते बेटा। ठीक है, ये चीजें जो है ऐसे। अच्छा, अब उसके बाद जो है जो सेकंड टर्म है liquidated damages, when parties to a contract fix the amount of damages for the breach of contract at the time of formation of contract, such damages are called liquidated damages. The parties to contract fix the amount of damages for breach of contract at the time of formation of contract, such damages are called liquidated. If the A contract to pay those who didn't have to pay the damages to B, if he fails to pay ₹5 lakh on given day, if A fails to pay on that day, but B recover damages not exceed ₹20,000. सही है? अच्छा, तो इसके A contract to pay ₹20,000 as damages to B. सही है? तो as damages के तौर पर उसको ₹20,000 देने हैं A को. If he fails to pay rupees, अगर वो fail हो गया rupees के ₹5 lakh देने के लिए on the given day, A fails to pay on that day, B can recover damages not exceeding, तो ₹20,000 ही वो damage देगा, उससे ऊपर पैसे नहीं दे सकता। भाई आपको जो है वो अदायगी करनी थी, मिसाल के तौर पर ₹5,000 अदायगी करनी, वो बंदे ने कहा भाई मैं ऐसा करूंगा आपको ₹1,000 की कुछ कटों दे दूं, मगर मैं ₹1,000 नहीं दे पाऊंगा तो मैं ₹200 हजाना देने को तैयार हूँ। उसने क्या किया कि ₹200 हजाना दे दिया उसको और एक दिन और मांग लिया उससे, एक दिन और मांगने के बाद ₹200 भी हाथ में रख लिया। अब ये नहीं करेगा जो जिसके ₹1,000 लिए थे जिससे, ये वो अब पहले दिन ₹200 और सेकंड डे जो है ₹300 वो मांग ले आपसे, नहीं उसके ₹200 ही डैमेज के तौर पर ले सकता है उस पार्टी से। ठीक है बेटा, चले आगे। So nominal damages, when the aggrieved party has suffered no loss due to the breach, the court may award its nominal small amount as damages in recognition of its right. When the aggrieved party has suffered no loss, aggrieved party jo hai wo suffered no loss due to the breach. If the aggrieved party has suffered no loss due to the breach, the court may award nominal small amount as damages in recognition of its right. थोड़ा सा नॉमिनल डैमेजेस में थोड़े बहुत डैमेजेस जो है वो इस पे जो है रिपोर्ट लगा देती है कि भाई इनको लॉस हुआ, ये सफर हो गए, तमाम चीजें थोड़े बहुत डैमेजेस के तौर पे पैसे नहीं लगा देती, इसको नॉमिनल डैमेजेस कह रहे होते। तो नो लॉस ड्यू टू द ब्रीच, द कोर्ट मे अवार्ड इट्स नॉमिनल स्मॉल अमाउंट डैमेजेस फ्रॉम द डिफरेंशियल ऑफ, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं। तो इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है मगर आपने कोई गलती की इससे वजह से उनको प्रॉब्लम आई है, नॉमिनल डैमेजेस की सूरत में लाया जाता है। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, देखो इसकी स्पेलिंग, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी स्पेलिंग पर। अच्छा, इसमें कंपनसेशन फॉर वर्क है, इसमें क्या है हमारे पास कि आपने, ये बहुत ही कॉमन है एग्जांपल, आपने किसी को पैसे दिए, उसने पैसे दिए आपने उसको कहा कि यार मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ ₹5 lakh दे रहा हूँ, अब आपने क्या करना है कि आपने 3 story घर बनाना है मेरा। अब उस बंदे ने क्या किया कि वो 5 lakh आपसे ले लिए और लेने के बाद पहली फ्लोर बनाई इसने और उसने कहा भाई मैं इससे ऊपर काम नहीं कर सकता जाऊँ, तो वो क्या कर रहा है आपको बेवकूफ बना रहा है आपको। तो आप जो है अगर आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाई थी इसके अंदर, आपने उससे रिसीव करवाया हुआ कि आपने 5 lakh दिए हैं और एज ए टोकन मनी दिए हैं कि 3 floor की कंस्ट्रक्शन करेगा, सही आप लिखवा लें उसको स्टैंप पेपर पे, ₹200 वाले स्टैंप पेपर आप लिखवा लें। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि वो अगर वो उससे भागता है तो ये कोर्ट में चैलेंजिंग होगा, इसको कहते हैं क्वांटम मेल। प्रूफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या ए एग्रीज टू सेल, ए एग्रीज टू सेल इज प्लॉट ऑफ लैंड टू सी हु एग्रीज टू परचेज इट फ्रॉम Erecting this will there later on the commit breach, request to sell the plot at the suit of C is asked by the court to carry out the contract. So उन्होंने क्या किया, जमीन बेच दी और जमीन बेचने के बाद उन्होंने कह दिया मैं आपकी जमीन अब नहीं बेच रहा, जाए
एक बंदे ने जो है अपने रिश्तेदारों के घर के पास जमीन को लेना चाह रहा है, वो जमीन तो थी वो थी। अब इन्होंने क्या किया कि पैसे बढ़ाने के लिए क्या कहा उन्होंने कि भाई नहीं जमीन नहीं बेचा, मेरी मर्जी नहीं बेच रहा, तो आपके पास ये आपके पास आएगा सोच फास्ट परफॉर्मेंस के अंदर आ रहा होगा। इन्होंने तामील हुक में अदूली किए कोर्ट ने रोक दिया था कि आप हमारे मुल्क की बदनामी का बाहर बनना है, तो 5 साल के लिए उसको बैन भी लगा दिया था के लिए, तो उस बंदे को सूट फॉर इंजेक्शन के थ्रू अगर किसी आप जो है आपके पास मैंने बताया आसिफ खान का बताया मैं दिखा देता हूँ, मैच फिक्सिंग स्कैंडल में हटा दिया, मैच फिक्सिंग के अंदर जो है इसको और इसको पकड़ा भी गया था ना, तो उसमें चर्च मीटिंग में पकड़ा गया था, वहां उसके लिए इसमें नहीं आता इतना अप्रोप्रिएट जो है उसके अंदर चल रहा था। इंजेक्शन में आता है अगर कोर्ट ऑर्डर करते हैं उसके मतलब ये कि फिर वो काम वो नहीं कर सकते तब तक कि कोर्ट कमीशन ना ले इसके लिए, वो सजा पूरी ना हो जाए इसको हम कह रहे आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कोर्ट का इंजेक्शन का एक और केस है, AECO केस इंग्लैंड, कौन सा नकली है यार, कौन सा तंजीम लगती है पता नहीं कौन सा लगती है, ये बंदा आर्य करती, यानी कि दुनिया में कोई कंपनी मिली ही नहीं सही है, और वही कंपनी मिली जो के समझ लें कि क्रिमिनल्स की कंपनी है। जज यूनाइटेड किंगडम एक्सपीडा मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन दस रिजेक्टेड द ऑर्डर मेड बाय अपराध कमीशन आरिफ नकवी काउंसिल एंड ऑर्डर द केस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हर डिसीजन। अच्छा इस बंदे के पैर में जो है ना इन्होंने इस बंदे के पैर के अंदर उन्होंने RFID बांधी है, तो एक सर्टेन 200 मीटर के अंदर अंदर एरिया के अंदर घूम सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता, और आपने इसको के इलेक्ट्रिक भेज दी पूरी दुनिया में कोई कंपनी मिली नहीं जो 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 जिसपे कोई केस ना हो ये मिली। ये बेल जो है ये वो वाली बेल है इसके अंदर आपको जो है वो आप जा नहीं सकते, मुंह पे छोड़ सकते थे, पैर में वो बांध देते हैं उसको क्या कहते हैं RFID बांध देते हैं, और ये बंदा जो है जेल ही होती है इस तरह है ना बेटा यहाँ पाकिस्तान को कोई पूरे दुनिया में कोई इलेक्ट्रिक सप्लायर नहीं मिले दवाई नहीं हो गए उनको पकड़ा दिया। हाँ देखो
the contract of guarantee, what are the features of the different banks. The contract is attached to the contract of guarantee, the contract to perform the promise or discharge the liability of a third party person in use of the default. They request me to lend for the 10,000 to exceed their insurance. Insurance that he will pay if he goes to pay, there is a contract of guarantee. यही पैसे जो आप लेते हैं उसके अगेंस्ट आप लिखवाते हैं कि भाई अगर पैसे ना दे पाए तो क्या करेंगे. ये आपके पास गांव देहात में बहुत बहुत होता है, तो इसके अंदर जो है ना उसको वनी कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो खेत तो कोई होता नहीं उनके पास, तो वो क्या करते हैं उनकी घरों पर औरतें उठा कर ले आते हैं, औरतें बच्चों को ले आके जो अपने रखते खेतों के ऊपर उनसे काम करवाते हैं और तमाम चीज़ों. तो ये आप ये वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा. तो इसके मतलब यही कि लीगल टर्म्स के अंदर अगर ये बंदा इतने पैसे नहीं दे पाएगा तो क्या उसके अगेंस्ट में क्या काम होगा, क्या ये पैसे माफ कर दिए जाएंगे या ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी या क्या होगा इसके अंदर. तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा. इसमें क्या है श्योरिटी, जो श्योरिटी लेगा इस बंदे को पैसे देगा. तो ये आप गारंटी, जो बंदा श्योरिटी लेगा इस बंदे की वो गारंटर होगा, वो पैसे देगा. प्रिंसिपल डेबिटर पर्सन फॉर होम द गारंटी इज गिवन इज द प्रिंसिपल डेबिटर पर्सन फॉर होम द गारंटी इज गिवन सही इज द प्रिंसिपल डेबिटर कहलाएगा जो गारंटी दे रहा होगा. डेटर पर्सन होम गारंटी इज गिवन प्रिंसिपल डेबिटर जो पैसा दे रहा होगा. प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर प्रिंसिपल डेबिटर श्योरिटी क्रिएटर श्योरिटी प्रिंसिपल डेबिटर and a contract of guarantee there should be based on contract between principal debtor and creditor and principal contract guarantee given for the principal contract. तो ऐसी बात है पैसे के दरमियान जो है इसमें लिखित पढ़ा नहीं होगी, ये SMS में नहीं होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आएंगी इसके हिसाब से. Consultation is an essential element of a valid contract of guarantee. It is not necessary that there must be direct consultation between the surety and the creditor, the consideration received by the debtor is sufficient for surety. Okay, the consideration is an essential element. Then, with contract guarantee, it is not necessary that there must be direct consideration between surety. Direct relationship between surety or creditor. Consideration is an essential element, but this does not mean that you are considering it. It's not necessary that there must be direct consideration between the surety and the creditor. क्योंकि किसी ने आपको पैसे दिए तो कहीं ना कहीं से निकाल के दिए ना, तो अपना पैसा तो निकाल के दिया है ना. If C will guarantee for the payment, C promise guarantee is the consideration for A promise to sell the goods. तो वो उसने कहा मैं पैसे दे दूंगा अगर तुम्हें चीज दोगे. एक ने गारंटी दी है कि मैं सामान दे दूंगा, एक ने कहा गारंटी दी है मैं पैसे दे दूंगा. तो अगर दोनों की गारंटी जो है दूसरे के लिए वैलिड है तो ये बिजनेस काम हो जाएगा. नो रिप्रेजेंटेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी इन टाइटल टू नो मटेरियल फैक्ट इंफॉर्मेशन और दैट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. It is duty of the creditor to disclose the material fact about the contract if the consent of the surety will be obtained by representation that the surety will be discharged from the liability. देखें अगर आपने surety ऐसी रखी है कि जो compromise हो सकती है तो वो ऐसे liability के वो हट जाएगी उस चीज के अंदर. आपने surety दी है, आपने surety का मतलब ये अगर ये नहीं होगा वो वाली बात है ना, क्या कहते हैं कि मैं उधार दूंगा सही 60 प्लस के लोगों को मगर उनके दादा के कहने पर. बात समझ आई कि मैं उधार दूंगा इसको 60 प्लस जो जिसकी उम्र होगी उसको मगर उनके दादा के कहने पर. तो उसने जो कंडीशन लगाई है कंडीशन कभी ट्रू होगी जी? कभी कंडीशन ट्रू होगी? कभी भी छोटी होगी. क्यों? क्योंकि उस बंदे की उम्र जो है वो खुद ही 60 साल और उसके दादा के कहने पर जो है दादा की उम्र जाहिर सी बात है कितनी उम्र होगी उसको 60 years जाहिर डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि ये चीजें हो पाए. तो इसके मतलब ये है कि एग्जांपल इसकी ऑफिशियल एग्जांपल देखते हैं. इट वाज मेंट टू गिव अ गारंटी फॉर अ होनेस्टी ऑफ अ सर्वेंट.
employer had earlier dismissed from the dishonesty but not with respect to the surety. The servant committed a fraud, surety is not liable because the material fact was not disclosed to him at the time of contract. किसी ने आपके पास देखें, मैं आपके एग्जांपल देता हूँ, आप किसी बैंक की जॉब करते हैं तो आपकी श्योरिटी जो है कोई उस बैंक का एम्प्लॉई लेता है, बैंक का एम्प्लॉई आपकी श्योरिटी लेता है, भाई मैं गारंटी देता हूँ कि ये बंदा अच्छा चलेगा, अगर लेट से बंदा अच्छा नहीं चलता सही है, या आप वो गारंटी लेने वाला कोई नहीं, तो बैंक कहता है कि आप इतने लाख रुपए एज अ श्योरिटी रखो और अगर आप 3-5 करोगे यानी क्या आप फ्रॉड करोगे तो आपकी श्योरिटी डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि वो पैसा जो है बैंक अपने पास रख लेगा और आपको डिस्चार्ज करेगा। अच्छा ये एग्जांपल मत लीजिएगा, मुझे अच्छी नहीं लगती एग्जांपल उमर शरीफ वाली, उसने कहा कि नहीं आपने शादी के बाद मुझसे वादा किया था तो मुंह दिखाए में हीरे की अंगूठी देंगे, मुंह दिखाए में हीरे की अंगूठी देंगे सही है, तो उमर शरीफ जवाब ये देता है कि मुंह दिखाई के बाद आपने ये कहा था कि दुल्हन जो है वो चांद का टुकड़ा है, तो क्या चांद का टुकड़ा निकला अंदर से, जब वो नहीं निकला तो जब नहीं निकला तो हीरे की अंगूठी भी नहीं निकली, उमर शरीफ वाली बातें तो अच्छी लगती नहीं है, उमर शरीफ जो है वो यही कह रहा होता कि चांद का टुकड़ा निकला नहीं निकला तो हीरे की अंगूठी भी निकली, वो वाली बात है, तो ये दोनों श्योरिटी कैंसिल हो गए। Writing not necessary. It is not necessary that a contract of a guarantee must be written. It may be oral or written. Kinds of guarantee. Absolute guarantee. क्या है? Absolute guarantee is the one which is guarantor and conditional promises the payment in case of default of principal debtor. And giving guarantee to see if we will not pay the debt. We will pay. A conditional guarantee is one which is not enforceable immediately on the default of principal debtor. Some contingency other than such event must happen. अच्छा कंडीशनल गारंटी के माने कंडीशनल गारंटी बट व्हिच इज नॉट और ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द डेटर सम कंटिजेंसी अदर देन सच इवेंट मस्ट हैपन, सही, उसके अंदर देखिए किस चीज होती है, यहां पे बंदा फंस जाए उसमें कहते हैं कि यार तुम शुरू तो करो ना खड़े, आप ये करो बिना शुरू तो करो खड़े, अब वो कह देते हैं तो बोला यार आप कह रहे लिख के दे दोगे कभी नहीं देंगे, जब लिख के देंगे तो लीगली बाउंड हो जाएंगे करने के, तो कभी भी लिख कर नहीं देंगे, वो दोबारा भी करेंगे या चलो ठीक है मगर कभी भी रिटर्न नहीं देंगे क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगी, तो लोग जो कहते हैं कि कंडीशनल गारंटी देते हैं नहीं यार तुम्हारे साथ खड़े हैं तो बताओ हमें हम तुम्हारा काम कर देंगे, मगर जब वक्त पड़ता है वो मसला होता है तो आपका साथ नहीं खड़े होते हैं बेटा स्पेशल गारंटी, गारंटी व्हिच इज गिवन बाय द श्योरिटी टू स्पेसिफिक पर्सन फॉर अ प्रॉमिस और डेबिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर्स कॉल्ड लीगल गारंटी, अ गारंटी व्हिच इज गिवन बाय श्योरिटी टू अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर द प्रॉमिस और डेबिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर्स कॉल्ड स्पेशल गारंटी। अच्छा इसमें ये कि उसमें पुलिस के अंदर ये होता है कि आपके पास शख्सी जमानत के ऊपर जो है किसी बंदे को रिहा कर देते, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको गली के अंदर फटे करता है झगड़ा करता है चोर बचा रहा है या फिर वो उल्टा कर भी करता है या फिर वो कोई ऐसा काम किया उसने जो कि इनअप्रोप्रिएट था, तो उन केसेस के अंदर शख्सी जमानत देती है। शख्सी जमानत के मतलब ये होता है उसका बाप भाई चचा मामूट आया कोई बंदा ये गारंटी देता है कि अब ये ऐसा नहीं करेगा, मेरे कहने पे उसको छोड़ दें, मेरे कहने पे छोड़ दें उसको शख्सी जमानत करते हैं, ये उसके इसके अंदर होती है। तो मतलब यही है कि आपके पास ये चीजें जनरल गारंटी के अंदर ही होती है, ये पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है, ये कुछ अजीब लगती बात, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की मैयत हो जाती है,
मैयत होती है तो फिर वो बंदा जो है आपके जितने जिनका पैसा अदायगी करनी होती है, जिनका उधार देना होता है, वो क्या होते हैं, वो कब्रिस्तान में उस बंदे के साथ साथ जाते हैं। जाने के बाद जो है वो जब उनको जनाजा तकसीम के लिए रखा जाता है, कब्र के पास रख दिया जाता है, तो फिर आपके पास वो कहते हैं यार ये बंदे पे हमारा इतना जो है वो कर्जा है, हमारे पे इस बंदे पे हमारा इतना कर्जा है, यानी कि इस बंदे को जिसकी मैयत पड़ी है उसको हमारा इतना पैसा वापस करना है। वो होता क्या है कि उस फैमिली का बंदा कोई ना कोई कोई कहता है कि मैं इनका कर्जा अपने जिम्मे लेता हूँ और मैं आपको इनका कर्जा चुका दूंगा या उतार दूंगा, तो जनरल गारंटी कहते हैं। मगर हमारे यहाँ माशाल्लाह जो है वो कराची और पाकिस्तान के अंदर लोग तो कई लोग ऐसे उड़ जाते हैं जिनसे कभी उसने मैयत से पैसा लिया हुआ नहीं होता और कहते हैं हमारा 5,000 है, हमारा 10,000 है, हमारा 3,000 है, इस तरह के बात कह के जनरल गारंटी कहते हैं। इस तरह से कहते हैं ये ज्यादातर ये जनरल गारंटी जो है इसमें होता है जहाँ पर कोई तकसीम वगैरह हो रही होती है या कोई ऐसी बात होती है वहां पर भी ये बहुत अच्छी होती है। लिमिटेड और ऑर्डिनरी गारंटी, गारंटी में से गिवन फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिटेड गारंटी, एक ट्रांजेक्शन गारंटी देती है, हाँ यार यार ये काम कर दो उसके बाद मैं इस काम में पढ़ूंगी, ठीक है, तो कहते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन गारंटी। वी परचेज द बाइक फ्रॉम द शोरूम, ये गिव गारंटी टू शोरूम फॉर सेकंड ऑफ इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ दी इट विल बी गारंटी रिकवरी गिवन फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन। अब आपका हुई वाली बात है कि आप जब आप इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जो है दो ग्रेंटर्स जो है साथ अपने लेके जाने पड़ते हैं, सी एन आई सी के साथ वो साइन करते हैं कि भाई अगर पैसा ना दे पाए तो हम पैसे ये गारंटी विच इज गिवन ट्रांजेक्शन, ये आपने ऐसी गारंटी दी है कि भाई आप कोई कुछ भी करें वो वाली बात है। वो इसके अंदर जो है ये होता है कि आपके वाले साहब बहुत अमीर हैं, उन्होंने आपके जो जो नौकर है उसके जेब में जो है 100-100 वाली गड्डी रखवाई हुई, बच्चा जब भी रोए उसको जूस पिला देना, आइसक्रीम खिला देना, खाना खिला देना, डिनर खिला देना, ये आपका वो चलता है। कुछ भी करे ये आपने उसको खुश रखना, बस रोए ना, इस केस के अंदर ये होता है। Implied guarantee. Implied guarantee is a guarantee which is not in the word, whether written or spoken. The conduct of guarantor can show that guarantee has been given. So, conduct of guarantor can show. So, implied guarantee is a guarantee which is not in the word, whether written or spoken. So, ये ज़ुबानी नहीं होता है, या तो ये लिखा हुआ होता है या बोला हुआ होता है। कुछ लोगों की ज़ुबान इतनी पावरफुल होती है तो वो उस पर जो है फैसले कर देते हैं, उनके लोगों की बात को मानते हैं। सही, तो वो वाली बात है। तो जैसे वो धरना हुआ था तो जो डायरेक्टर ISI से इस्लाम आपके उन्होंने गारंटी दी थी, उन्होंने कहा नहीं आपको कोई मसला नहीं है, अब आराम से जाए, हम मसले को संभाल लेते हैं, हमें धरना खत्म कर दिया गारंटी का। तो गारंटी जो देते हैं तो फिर उनको पता होता है कि बंदा कैसे बिठाएगा। एक्सप्रेस गारंटी या गारंटी विच इज गिवन वर्ड विदर रिटन और स्पोकन स्टार्ट कर देंगे। An express guarantee which is given in words, whether written or spoken. जो आपके पास ये कहा जाता है ये ज़्यादातर इसमें फंस ज़्यादा रहता है, आप कह देते हैं कि यार मैं देख लूँगा संभाल लूँगा, मगर वो हो नहीं पाता। इसके बिहाव पर आप जो जुबानी जमा खर्च करते हैं ना उसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एसेंशियल फेयर पेड right on which religious times, say it, we want to use all. So a person transfer position of a put to another person for some material purposes on condition that we can do it after the beginning of a put to. That's called bailment. A person transfer position of put to another person for special purpose on the condition that he will return the put after the beginning of a put to, it is called bailment. आपके पास जैसे आप टेंट लेते हैं, कुर्सियाँ लेते हैं, तो आप सर्टेन टाइम के लिए लेते हैं, उसको तो वापस कर देते हैं, ये बेलमेंट है। A gives his job to B, a builder for making sure the contract A and B is the bailment. हाँ, ये मेरे घर की एग्जाम्पल है।
एक सूट जो था वो मेरी वालदा जब अंदर थी तो मेरी जो फैमिली में कुकी वगैरह लंदन से बहुत महंगा सूट लेके आएंगे बस क्योंकि गिफ्ट था पता नहीं था कितना महंगा सूट आएगी मगर वाकई में कपड़ा जो था उसके मैटर कर रहा था बहुत ही खूबसूरत सूट था वो तो सिलने के लिए दिया उन्होंने तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वो क्या कहते हैं टेलर है वो ड्राइंगबाजी की जाए यहाँ गया भाई वहाँ गया भाई ये और वो चांदर वाले दिन पे मैं गया मैंने कहा भाई यही सूट है इस तरह से मुझे तो आपके जो ड्रेस लगे हुए इसमें कोई सूट दिखाई नहीं दे रहा और ये गिफ्ट था गाइड से बात है आपको निकाल के थे कल पहनना है रलीद है तो उसने कहा भाई आप उससे ही पैसे ले लें और वो सूट जो है कहीं मिस हो गया ठीक है तो मैंने कहा भाई गिफ्ट है ये मैं पैसे कैसे ले लूँ सही है क्योंकि उसने कहा कि ये मिस हो गया कहीं पता नहीं ये वो चक्कर बात कहने का मतलब यही है और फिर वो वाली बात है जो मैसेज फैमिली को गया वो ये मैसेज गया कि इन्होंने हमारा सूट को ऑनर नहीं किया यानी कि इन्होंने इस लायक नहीं समझा कि ये सूट पहनते और इन्होंने जो है ये सूट जो है फेंक दिया या मासी को दे दिया क्या किया ये मैसेज जो है फैमिली को गया और फिर उन्होंने बहुत माइंड किया इस बात को मगर मैंने वही चीज़ है मैंने उसका बंदे का वीडियो बना ली मैंने कहा भाई तुम इसमें बोलो क्योंकि मेरी फैमिली में झगड़े शुरू हो जाएंगे और मैं चाहता नहीं हूँ कि झगड़े शुरू हो इसमें बताओ कि हुआ क्या एक्चुअल तो उसने बताया कि ये हुआ फिर मैंने अपनी फैमिली को भेज दिया मैंने कहा ये मसला हुआ था मैंने इनको सुनने के लिए दिया बहुत पुराना टेलर है एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ जाहिर सी बात है उसकी कीमत ज़्यादा थी सूट की काफ़ी महंगा सूट था उसके बाद उसने ले जाके बेचा या क्या किया अल्लाह ने बेटर मतलब सूट मिला नहीं तुम बार ये वो चीज है पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेलर और बेली जो इन द गुड स्कोर्स फॉर बेलर अ पर्सन टू हू पुश अ टेलर फॉर बेली ठीक है बिलर है हमारा प्रोजेक्ट डिलीवरिंग द गुड्स जो सामान को दे रहा है सप्लाई कर रहा है उसको बिलर कहते हैं और अ पर्सन टू हूम गुड्स आर डिलीवर्ड सही है तो उसको बिलर की वो बिली कहलाता है एग्रीमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स की टर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको आगे नहीं लेके जा रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ पोजिशन यानी कि आप उसको मालिक बना रहे हैं उसको ट्रांसफर ऑफ पोजिशन हम कहते हैं ओनरशिप ऑफ देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अंडर द डेवलपमेंट ड्यूटी ऑफ द बिलियर रिटर्न टू डिस्पोज ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और बिल्ड मैंने चीज़ें आपको एग्जांपल ऐसी दी है मैंने ये सब उसके अंदर आ जाती हैं अच्छा बेनिफिट टू द पार्टी रिवॉर्ड टू द पार्टी बेलमेंट फ्रॉम द बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट बेलमेंट कैन बी ग्रुप इनटू थ्री क्लासेस Sometimes the good are delivered for the sake of study without any compensation to be paid. For the benefit of bailer, ये terminology जो है हमारे पास, ये तो terminology जो है हमारे पास, अच्छा, ये terminology में example लेता हूँ उसके अंदर, एक साहब थे, सही है, उन्होंने कहा कि वो दुबई गए, दुबई जाने के बाद उन्होंने क्या कि वहाँ गाड़ी खरीदी थी वो गाड़ी थी फरारी उन्होंने खरीदी खरीदने के बाद क्या किया कि जाहिर सी बात है कि अब जब वो अपने फ्लैट के अंदर अगर वो गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसका जो है वो टैक्स देना पड़ेगा कितने दिन वो गाड़ी खड़ी रहेगी और चांसेस हैं चीज़ें चोरी हो जाएँ चांसेस हैं फिर बिल निकाल कर ले जाएँ चांसेस हैं इस चीज़ के तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उस गाड़ी की वो बैंक गए और बैंक जाने के बाद उस गाड़ी की कीमत लगवाई उन्होंने कहा भाई गाड़ी कितनी की उन्होंने कहा भाई गाड़ी की इतनी नई गाड़ी है एकदम हम आपको इतनी कीमत दे सकते हैं इसकी सही वो कीमत जो थी नई गाड़ी की कीमत थोड़ी कम थी ठीक है वो पैसे उन्होंने लिए वो पैसे जो है उन्होंने बैंक के अकाउंट में डाले और अकाउंट में डालने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ अगर ये मुझे पेमेंट मैं अगर अभी मुझे ज़रूरत है पैसों की वैसे नहीं कर रहा अगर मेरे पास पेमेंट आ जाएगी हो सकता है महीने डेढ़ के अंदर मैं आपको प्रॉपर जो है सारे के सारे पैसे रिटर्न कर दूँ मैंने कहा ठीक है चलो वो मतलब ऐसा होता है उन साहब ने क्या किया कि वो बाहर चले गए बाहर जाने के बाद गाड़ी जो थी उनकी बैंक के गैराज में खड़ी गई
बैंक की जो जगह थी जहाँ पर वहां खड़ी थे उसकी सफाई वफाई तमाम सिक्योरिटी गार्ड वार्ड सब वहां पर एकदम चमचमाती रही गाड़ी गाड़ी नहीं थी। और फिर वो जब वो आराम से जो फ्रांस से घूम के आए वो दो डेढ़ दो महीने के बाद उन्होंने कहा मैं आपको पेमेंट देके गया था अब मैं ये चाहिए रहा हूँ कि मेरी गाड़ी वापस कर दी। वो क्या करते हैं कि उसको थोड़े पैसे ज़्यादा डालकर वो तो पेमेंट दे देते हैं। अब अगर वो दो महीने की पेमेंट निकालते हैं पार्किंग फीस निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती है जो गाड़ी का जो शुल्क अदा करते हैं। अगर वो गाड़ी की कीमत मिसाल के तौर पर 100 रुपये तो वो 120 रुपये देकर वो गाड़ी अपने नाम वापस ले लेते हैं और गाड़ी दीदी के नाम पे होती है और बैंक के कागजात में भी उनके नाम आ जाते हैं। मगर दूसरी चीज क्या है कि आप अगर वही चीज अपने ऑफिस में पार्क करते सामान चोरी होता अगर वो गाड़ी उठा के जो है कोई ऐसी जगह पार्क करते जहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता आपको लहदा लग देने पड़ते वो चीज आपको पड़ जाती गाड़ी की कीमत में आपको जो एडिशनल कॉस्ट देने पड़ती काफी होती। तो उन्होंने क्या किया कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर ये उन्होंने लॉजिक अप्लाई जो कानून के रूप से है तो उन्होंने क्या किया वो बैंक को गाड़ी बेची और ओनरशिप बैंक के नाम की मगर इस श्योरिटी पे की उन्होंने कि मैं वापस आ रहा हूँ अभी मुझे पैसे की जरूरत है और दो महीने वापस आ जाऊँगा मैं और फिर मैं ये पैसा दे कर अपनी गाड़ी वापस छुड़वा लूँगा। और उस ड्यूरेशन के अंदर वो गाड़ी संभाल के रखी उन्होंने सफाई वफाई करते रहे और जब वो वापस आए वापस आने के बाद उन्होंने वो पूरा पैसा जो उन्होंने बैंक का लोन लिया था वो दिया और एडिशनल चार्जेस थोड़े बहुत उन्होंने देखिए गाड़ी अपने नाम करा दी। तो इस चीज को कानून की निगाह में कहते हैं बेलमेंट फ्रॉम द बेनिफिट फंड ठीक है इसको कानून की जुबान में ये कहते हैं। अच्छा इसके अंदर जो है जो लोग कानून जानते हैं तो इस तरह के काम वो बड़े आराम से कर लेते हैं और समझ में आई बात नहीं है समझ में आई नहीं आई नो नहीं आई आप ये समझ लें आपके पास घर में सोना रखा हुआ सोना वो सोना जो है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का सोना है अब आप कुछ जा रहे हैं अब आप क्या करेंगे गार्ड रखेंगे अब आप गार्ड रखेंगे तो गार्ड क्या करेगा मुझे बताएं आप गार्ड जो है सबसे पहले आप घर की तलाशी लेगा वो क्योंकि काम की चीज मिल जाए सही है आप तो जाहिर सी बात है अगर उसको डाउट होगा कि इसमें पैसा है तो वो मुझे जान लगा के सामान निकाल लेगा वो तो आपने क्या किया जो जो कीमती चीजें थी वो सारे के सारे चीजें जो है आपने बैंक के लॉकर में रखवा दी या बैंक को सेल आउट कर तो इस प्राइस पे सेल आउट की कि मैं ये चीजें जो है इतने महीने के बाद महीने के बाद आपसे वापस लेता ठीक है ओनरशिप नहीं की है तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बैंक की कोई फीस देनी नहीं पड़ रही बस आपने एक क्लॉज ऐड किया हुआ है कि मैं कितने महीने के बाद ये पैसा जो है बैंक के नाम वापस करूंगा और बैंक मुझे मेरा सामान वापस करूँगा तो वो जो सिक्योरिटी के पैसे हैं जो उसके पैसे हैं वो बैंक के देने नहीं पड़ रहा है किसको उस बंदे को जो सोना 1 करोड़ रुपए का सोना है और आपने उनको बैंकर को कह दिया है बैंक मैनेजर को कह दिया कि भाई 1 करोड़ का सोना है मैं 2 महीने के बाद जो है ये सोना आपसे वैसे ले लूँगा और पैसा आपको वापस करूँगा सही है तो आप मुझे दे दीजिएगा। अब बताइए जो बैंक की 24/7 सिक्योरिटी उसको पैसे दे रहे हैं आप नहीं दे रहे पैसे और आपको फॉरवर्ड डिफरेंस के हिसाब से और वो चीज़ें आपको मिल रही हैं तो इसको कानून की जुबान में कहते हैं बेलमेंट फ्रॉम द बेनिफिट फंड ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल तो हम दे नहीं रहे ना गार्ड हम सोना रख ही नहीं रहे घर में हम तो बैंक में रख रहे हैं ना बैंक वालों को बल्कि सेल करके जा रहे हैं क्या खुदा ना करो उनको मसला हो हमारे पास तो ओनरशिप पैसों की तो हमारे पास हो ठीक है ना इसको हम कहते हैं बेलमेंट फ्रॉम द बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू कानून की निगाह में ये चीज है फॉर द बेनिफिट ऑफ डेली सम टाइम द गुड्स आर डिलीवर्ड ओनली फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द डेली एक गुड्स आर डिलीवर्ड डेली के बेनिफिट में इस करते हैं ए गॉड ऑफ बी बैन टू यूज एग्जेम्पशन ऑफ द बेलमेंट फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ द डेली बता दिए तो सुनकर चीजें को इसको मुश्किल है
व्हाट इज बेलमेंट फिर बैटिंग ड्यूटी का बेलमेंट डेली और लास्ट सवाल लास्ट सवाल क्वेश्चन के बाद मैं आपका अटेंडेंस ओपन कर दूंगा आप अटेंडेंस को क्या कीजिएगा मार्क कर दीजिएगा अच्छा राइट्स ऑफ बेलर ड्यूटीज ऑफ बेली फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ बेली टेक रिस्पांसिबल केयर इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक केयर ऑफ गुड्स गेट टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनेंस सो देयर इज एनी लॉस टू द गुड्स ड्यूटी ऑफ बेली इन नेगलिजेंस द बेलर इज एंटाइटल टू रिकवर द लॉस ऑन सही अच्छा एक आपने टर्म देखी होगी उसका नाम बताता हूँ टर्म है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है इसको लीगल टर्म कहते हैं वंस ब्रोकन नाइस नाइस टू सी गुड टू होल्ड वंस ब्रोकन कंसीडर्ड सोल्ड तो ये जो टर्म है हमारे पास ये आप जो पढ़ रहे हैं अभी इसी टर्म के अंदर ये आ रही है बेटा आप किसी मुल्क जाएंगे ना अगर तो आपको ये हर जगह पे लिखा हुआ होगा हर जगह आपको बताया हुआ होगा पाकिस्तानी तो जाहिर सी बात है यहाँ की आप लेडीज जो है आप उसको लेके जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे किस तरह की चीजों को उठा उठा के Excuse me, sir. जी बोले ये बैकग्राउंड में आवाज आ रही है कोई डिस्टॉर्शन आ रही है हाँ ये मीटर काम कर रहे हैं ना ये लोग बस खत्म करें लास्ट तो मसला नहीं ओके सर हाँ बस खत्म पर ही लेक्चर हो सकता है ऐसा नहीं मैंने बताया नाइस टू सी गुड टू होल्ड वंस ब्रोकन कंसीडर्ड सोल्ड तो ये आपके पास पाकिस्तानी अपनी बीवियों को बहुत संभाल के रखते हैं ना तो जहाँ इन चीज़ों को छूती हैं या हाथ लगाती हैं वो कहते नहीं कुछ छोड़ो मैं दिला देता हूँ आगे चलो ठीक है उन्होंने अगर स्लिप हो गया टूट गया तो एक जिस तरह से ये चीज़ें रखी भी होती हैं बहुत महंगी होती हैं उनको पैसे भरने पड़ जाते बहुत ठीक है आप सोच ही सकते किनारा भी उसका टूट गया ना अगर यहाँ यहाँ पर तो वो चूड़ियाँ लेती हैं तो चूड़ियाँ पहनने में टूट जाती हैं उठाने में टूट जाती हैं बंदा कुछ नहीं कहता सही उसका कलर उतर जाता है बंदा कुछ नहीं कहता ये नेल पॉलिश लगा लगा के देख रही होती है बंदा कुछ नहीं कहता मगर जरा बाहर जाके करके दिखाया मुझे चश्मे लगा लगा के देख रही होती है उसका जो चश्मे की जो डंडियाँ हैं वो खुल जाती हैं ज़्यादा ये ज़रा बाहर करके दिखाया मुझे उसके बाद देखेंगे वो करते क्या दुकानदार उनके साथ ठीक है तो ये वाली बात ही लिख के लगाया हुआ था ये चीज़ ये मैंने सारा बता दिया है ये दोबारा कंपोजिट एंड लॉस मैं बता चुका हूँ आपको